मैं नीचे कर रही हूं, आग लगा रही है। अब मैं कहती हूं हमारे बच्चे मर गए, प्लीज वालों के भी मरे, बोलने की था पहले क्यों नहीं आई प्लीज। तभी भेजते थे इंक्वायरी के लिए, कोई नहीं आता था, पैसे खा के अंदर घुस जाते थे ये लोग। अब क्या करने आई है इधर, प्लीज पकड़े ना जाके उसको भी। अब क्यों नहीं पकड़ दिया, आग आ गई आप प्लीज, मुंह दिखाने आई है हमारे को, आग लगे। मैं कहती जो बच्चों के पैसे खाती है, जो चिट्टों से पैसे खाते हैं, मरे इनके बच्चे, पुलिस वालों के भी मरे। चंद पुलिस वाले पैसे खाते हैं, 80% पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे हैं, सांबा पुलिस अच्छा काम कर रही, दो फोर्ट पुलिस कर रही, बख्शी नगर पुलिस कुछ जुती थी, रेहड़ी पुलिस कुछ जुती थी, कोई बच्चे नहीं, पुलिस वाले खुद बाल क्योंकि शायद उनको नहीं पता, क्या बाकी को नहीं पता जो पुराने लोग कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस की पेट्रोलिंग भी होती है, पुलिस वालों ने बंदे पकड़े भी हुए हैं, अभी इन्होंने बंदे पकड़े भी हैं, पेट्रोलिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कमी कहाँ पे है, कमी कहाँ पे जी, कहाँ पे नशा कहाँ से आ रहा है, कहाँ? बस यही तो चीज पूछनी है कि नशा आ कहाँ से रहा है जी, उस चीज के बारे में हम भी पूछना चाहते हैं कि नशा कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, कौन खा रहा है, कौन बेच रहा है। पुलिस की तरफ से तो अच्छा काम किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से तो नरवाल में भी अच्छा काम किया जा रहा है, बड़ी ब्राह्मण में भी अच्छा काम किया जा रहा है। पुलिस तो ये कहती है कि आप लोग क्यों नहीं हो रहा, पुलिस ये कहती है कि आप लोग हमारा सहयोग करो, पुलिस अगर पुलिस कहती है कि पब्लिक हमारा सहयोग करो, पब्लिक हमारा सहयोग करे, पुलिस ये कहती है तो पब्लिक क्यों नहीं पुलिस का सहयोग करती। कितने साल का था? चिट्टा बेचता कौन है यहाँ पे? मोहल्ले में बेचता है, जब भी कोई डेथ होती है पर किसी का आती नहीं है। पुलिस वालों को सुनाया आपने? करते हो पैसे लेते अभी आए पुलिस वाले, पहले आते पुलिस वाले कभी नहीं आए, आप जाए ना और यहाँ मीडिया को लगा रहा, आप जितनी क्या मीडिया वाले आए तो आप पुलिस वाले आए नहीं आती है इनके कुछ ही आंगे जो लगा है वो लगा आंगे आंगे पैसे की नहीं लाख रुपया नहीं दी तो बाहर आई बाहर आई तो आप लोग उठाने गई मैं तो मोहल्ले में शादी खा के पास जाती है पैसे लेती है भाग जाती है, चोरी चोरी से उनके घर में आते हैं तो पैसे लेकर भाग जाती है। चिट्टे के कारण मौतें हो गई नौजवान लड़कों की, नशा धड़ल्ले से बिक रहा है जी, शरेआम नशा बिक रहा है शरेआम। चिट्टा कहां से आया, किसने लाया, किसने खाया, कौन जिम्मेवार है? अगर इन मोहल्ले वालों को पता भी है कोई किसी से क्यों दुश्मनी ले, लेकिन आज हम सब लोग जान चुके हैं जी। हम क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ ऐसा? ऐसा आप देखिए ना, आपके सामने पेरेंट्स खड़े हैं, छह पांच छह पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं जिनके बच्चों की नौजवान बच्चों की मौत हुई है। आप उनसे बात करें, आप इनसे बात करें, इनसे बात करें, इनसे बात करें, इनके भाई का बेटा नौजवान बेटा जो है वो चला गया नशे के कारण, इनसे बात करिए आप। दो बात, ये कब की बात है, ये कब? ये 2 फरवरी की बात है। अच्छा तो यहाँ पे इतना मतलब ड्रग्स फैल गया है यहाँ पे बहुत ज्यादा, खासकर इस, अच्छा इस मोहल्ले में, मोहल्ले में टीके इंजेक्शन। कौन कौन भेजता ही, प्लीज कंप्लेन नहीं कराई तू ही, प्लीज गए तू थाने थूने गए कि अज तुसी बाहर निकले हो सारे लोग, किस क्यों निकले हो बाहर तुसी? कितने साल का लड़का था जिसकी डेथ हुई? नहीं कितने साल का लड़का है? ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर लगातार इस समय रेशम कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं और ड्रग्स को लेके आज पूरा मोहल्ला जो है वो जनाब बाहर आया। कहने के बीते महीनों में 2 से 3 युवकों की जो है इस मोहल्ले में जान गई। आप ही देखिए पूरा मोहल्ला जो है वो घरों के बाहर है, कहीं ना कहीं ड्रग्स जम्मू में इतना फैल चुका है। यहाँ 5-6 महीने में 5-6 बच्चे मर गए,
अभी तक ड्रग्स के लिए सारे जंग लड़के हैं सर। ये कोई 20 साल 25 साल 30 साल के बच्चे हैं जिनके बच्चे गए 30 साल है जिनके बच्चे हैं उनको भी दुख है पूरे मोहल्ले को दुख है। तो हम कंप्लेंट्स कर चुके हैं कोई हमारी सुनवाई नहीं है तो हम बड़े परेशान हैं। तभी हमने सारी मीडिया को यहाँ पे बुलाया है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कार्रवाई होनी चाहिए। और कौन कौन बेचता है पास में ही है हमारे सभी को पता है पुलिस को पता है पुलिस महीना लेती है क्या करोगे आप अच्छा। आप कुछ नहीं कर पाओगे ना आप कुछ कर पाओगे नहीं, नाम 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 बताएं कौन कौन नाम तो सभी को पता है। अच्छा यहाँ पे सबको पता है सबको पता है इसी से पूछो देखिए जिसका नौजवान बच्चा मरता है उसको पता चलता है इनका नौजवान बच्चे की मौत हो गई कौन जिम्मेवार है एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। चिट्ठा कहाँ से आया किसने लाया चिट्ठा किसने भेजा चिट्ठा मेरे भाइयों मैं आपसे खुलेआम ये चेतावनी देना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ अपना अपना कैमरा पीछे घुमाइए देखिए किस तरीके से हमारे मोहल्ले के लोग जम्मू शहर के अंदर ये पहला मोहल्ला होगा जहाँ पे लोग जागरूक हुए हैं यहाँ पे खुद पब्लिक जागरूक हुई है और चिट्ठे को हम जड़ से उगाड़ के फेंक देंगे और ये चिट्ठे को ना हम बिकने नहीं देंगे जम्मू शहर के अंदर। ये खाली रेशम घर कॉलोनी मजदूर बस्ती मोहल्ले के अंदर हमने मुहिम शुरू जो की है ये अब मुहिम रुकने नहीं वाली ये मुहिम अब जो है हर जम्मू शहर की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हम सोशल एक्टिविस्ट हम समाज के सेविक है हम समाज की सेवा करने के लिए और ये जो है ना मोमेंट इस मोमेंट को हम चलाएंगे। तो सर क्या क्या लगता है कि बाकी भी लोगों को बाहर आना चाहिए जिन जिन मोहल्लों में ये सब होता है। मेरी बात सुनिए भाई साहब ये अच्छे तरीके से आप इसको लाइव कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हर अपनी रिपोर्ट में ये बोलिए कि अगर चिट्टे की पब्लिक के साथ मूवमेंट अगर शुरू हुई तो ये रेशमगर कॉलोनी मजदूर बस्ती से शुरू हुई है। जम्मू में रेशमगर कॉलोनी मजदूर बस्ती के लोग जागे हैं चिट्टे के खिलाफ जागे हैं तो रेशमगर कॉलोनी के लोग जागे हैं मजदूर बस्ती के लोग जागे हैं और हम हर मोहल्ले में ये मूवमेंट शुरू करेंगे। और मेरी सब लोगों से जो लोग मुझे देख रहे हैं मेरी सबसे ये गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स दें और ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें ताकि जिसको भी कोई किसी चीज की दिक्कत है या चिट्टे की कोई इंफॉर्मेशन है पुलिस से अगर डर लगता है पुलिस को अगर कोई नहीं बोल सकता तो हमें बोलिए। मैं आपको अपना नंबर शेयर करता हूँ आप मेरा नंबर लिख लीजिए मेरा नंबर लिख लीजिए मेरा नाम लिख लीजिए जिस जगह चिट्टे में जो भी बदमाश है जो भी बिजनेसमैन है जो भी जम्मू शहर के अंदर बंदा उसके साथ निपट के लेके है तैयार है राजकुमार लल्होत्रा आपके सामने। चलिए बहुत शुक्रिया। और ये आप देखिए कई महिलाओं के बच्चे जो है वो ड्रग्स के जो बेचते हैं उसके भी मरे पुलिस वालों के भी मरे मैं तो कहती पुलिस वाले जो हराम के पैसे खाते हैं उनके मरे बच्चे उनका क्या उनके तो नहीं मरते वो हमारे मर गए वो कहते लोगों के बच्चे बचे इसलिए हम आ गए। कितनी उम्र थी बच्चे की आपकी लगभग 24 साल अकेला मेरा बेटा था मतलब ये तो एक नहीं दो दो फैमिली जो बर्बाद की गई है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे परिवार हैं जिनके आप अच्छे से कैमरा लगाइए यहाँ के लोग जो बेचते हैं।